श्री राजू बिष्टा जी। धन्यवाद सर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। सर, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुअर, ये चार इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही संवेदनशील है। हमेशा से दार्जिलिंग हिल, तराई, डुअर्स, इस क्षेत्र में एक विशेष एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री रही है। कभी नॉन रेगुलेटेड एरिया, कभी रेगुलेटेड एरिया, कभी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, कभी बैकवर्ड ट्रैक, कभी पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया जैसी व्यवस्था रही है। लेकिन आज़ादी के बाद सही संवैधानिक शासन नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की और क्षेत्र की जनता की हमेशा उपेक्षा होती रही। केंद्र सरकार ने लगातार हमारे क्षेत्र के विकास के लिए धन आवंटित किया, लेकिन धरातल तक वो पैसे राशि नहीं पहुंच पाई। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं, चाय बगान बंद हो रहे हैं, सिंकोना बगान बंद हो चुका है और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। इसके कारण युवा बेरोजगार है और पलायन करने को मजबूर है। राज्य सरकार और वहाँ पे जो जीटीए व्यवस्था है अभी हाल में, उसके व्यापक भ्रष्टाचार के कारण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं से जनता वंचित है। पूरा क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इसके कारण जनता पीड़ित है, संवैधानिक अधिकारों से जनता वंचित है और यहाँ तक कि कई गांव मिनी पाकिस्तान के नाम से बन चुके हैं। गोरखा हो, राजवंशी हो, आदिवासी, कोच, मेचे, टोटो, बंगला भाषी, हिंदी भाषी और अन्य मूल निवासी वो खतरे में है और हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, परंपरा और हमारी अस्तित्व पर खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी सिलीगुड़ी चिकन कॉरिडोर क्षेत्र बहुत ही सुरक्षित रखना अनिवार्य है और मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि सर हमें न्याय मिले, हमें भारत के संविधान के तहत स्थायी समाधान चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का शासन सुनिश्चित करे। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, कृपया स्थायी समाधान में तेजी लाएं ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले और हम स्वाभिमान के साथ जी सके। जय हिंद, जय गोरखा।